11 मार्च को देश भर में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स तमाम विवादों और अपने रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन के लिए अभी चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों के साथ हुई बर्बरता की दर्दनाक कहानी को सिल्वर स्क्रीन पर दिखाकर फिल्म डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने खूब वाहवाही लूटी। इस फिल्म की सफलता और दर्शकों के अच्छे रिस्पॉन्स के बाद अब विवेक अग्निहोत्री ने अपने नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। दरअसल द कश्मीर फाइल्स के बाद डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री द दिल्ली फाइल्स बनाएंगे। इसकी घोषणा उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से की। विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट करके लिखा कि मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स को बनाया। पिछले 4 साल से हमने पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत की। हो सकता है कि मैंने अपने टीएल को स्पैम किया हो, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार और अन्याय के बारे में लोगों को बताना बहुत जरूरी है। अब वक्त आ गया है, अब मैं अपनी नई फिल्म पर काम करूं। वही अपने अगले ट्वीट में अपनी नई फिल्म का उन्होंने ऐलान करते हुए लिखा #TheDilliFiles। वही विवेक अग्निहोत्री के इस नए प्रोजेक्ट के बारे में सुनकर सोशल मीडिया यूजर्स इसके बारे में बात करने लगे। जहां कुछ लोग इसे 2020 में हुए दिल्ली दंगों से जोड़ने लगे, तो कई यूजर्स ऐसा अंदाजा लगाने लगे कि द दिल्ली फाइल्स में विवेक अग्निहोत्री 1984 के दंगों के बारे में दिखाएंगे। इसके अलावा कुछ लोगों ने विवेक अग्निहोत्री को नए प्रोजेक्ट के लिए गुड लक विश किया। वहीं दिल्ली से बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने फिल्म बनाने के इस कदम का स्वागत किया। विवेक अग्निहोत्री ने जो आज ऐलान किया ट्विटर पर कि वो दिल्ली फाइल्स बनाने जा रहे हैं, हम उसका वेलकम करते हैं। मैंने खुद भी उनसे आग्रह किया था ट्विटर पर कि आपको ऐसी मूवी बनानी चाहिए, ताकि 1984 का जो ये कत्लेआम है, कार्नेज है, जो देश के एक प्रधानमंत्री ने संयोजित तरीके से एक धर्म के लोगों के, विशेष धर्म के लोगों को मरवाने के लिए, उनका धर्म खत्म करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए अपने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया, और फिर मरवाने के बाद इतना बड़ा कत्लेआम को अंजाम देने के बाद उन लोगों को पुरस्कार दिए गए, उन लोगों को मंत्री बनाया गया, उन मुख्यमंत्री बनाया गया, एमपी बनाया गया, और बाकायदा एक जनसभा में यह तक कह दिया गया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये सच्चाई लोगों के सामने आनी जरूरी है, ताकि देश के लोग ये महसूस कर पाए कि एक धर्म के लोग जिन्होंने सबसे बड़ी कुर्बानियां दी इस देश को आजाद कराने के लिए, और आज भी बॉर्डर पर लड़ते हैं, मरते हैं, उनके साथ कितना बड़ा बेइंसाफी हुई, और इस बेइंसाफी के बाद कोई हमारे साथ खड़ा भी ना हुआ। उस बेइंसाफी में कोर्टें भी चुप रही, कचहरियां भी चुप रही, जज भी चुप रहे, कुछ नहीं बोला, कोई नहीं बोला। ये दर्द हमारे मन में आज तक है। कम से कम ये मूवी आएगी तो लोगों के मन में, लोगों की जो भावनाएं हैं वो लोगों के सामने तो आएंगी, ये दर्द तो लोगों के सामने आएगा, लोगों को पता तो चलेगा हमने कितने सालों तक ये पीड़ा को झेला है, कौन सा दर्द है हमारे मन में, वो दर्द तो लोगों के सामने झलकेगा। तो मैं तो धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं। बता दें कि विवेक अग्निहोत्री अपनी कई फिल्मों के माध्यम से इतिहास के छुपे हुए कई राज और सवालों को लोगों के सामने ला चुके हैं। जहां उनकी इस सीरीज में द ताशकंद फाइल्स हु किल्ड शास्त्री साल 2019 में आई थी, जिसमें डायरेक्टर ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की थी। इस मूवी को दर्शकों का मिला जुला रिस्पॉन्स मिला था। इस फिल्म के लिए विवेक अग्निहोत्री को 2 नेशनल अवार्ड भी मिले। वहीं द कश्मीर फाइल्स, जो कि एक छोटे बजट की फिल्म थी, जिसने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये साबित किया कि अगर कहानी में दम हो तो सिनेमाघरों में फिल्म चलती नहीं, दौड़ती है। इसलिए दर्शक द ताशकंद फाइल और द कश्मीर फाइल्स के बाद अब फिल्म द दिल्ली फाइल्स का बेसब्री से इंतजार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।